हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। सो स्टूडेंट, जो लास्ट वीडियो था हमने उसमें क्वेश्चन 3 तक जो सेकंड चैप्टर था उसका कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको वो वहां तक आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। सो स्टूडेंट, लेट मी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, सो इसके अंदर स्टूडेंट बोला गया है कि एक्सप्रेस इन केजी, हमें जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं वो ग्राम में दिए हुए हैं या फिर जो भी है आपका पार्ट, उसके अंदर हमें उसको किस में चेंज करना है, किलोग्राम में। ओके स्टूडेंट, सो सबसे पहले आपको जो बेसिक्स है वो पता होना चाहिए। जैसे मैंने कल बताया था, ऐसे स्टूडेंट देखो, 1 किलोग्राम जो हमारा 1 किलोग्राम है वो हमारा किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के इक्वल। ओके स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है किलोग्राम और यहाँ पे क्या है ग्राम। तो ये जो किलोग्राम है ये एक लार्ज यूनिट है और यहाँ पे ये क्या है स्मॉल। जब हम लार्ज से स्मॉल में जा रहे हैं, मीन्स किलोग्राम से ग्राम में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई। अब यदि मैं इसको अपोजिट कर दूं, यदि मैं बोलती हूँ कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, जैसे ग्राम है इससे हमें क्या बनाना है, किलोग्राम बनाना है। सो स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, इसको हम कर देंगे 1000 से डिवाइड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में। ओके स्टूडेंट, अब जैसे मैं आपको बोल दूं यहाँ पे 5 ग्राम में, तो आप क्या करोगे, 5/1000। यहाँ पे यदि मैं 2 kg बोल दूंगी, 2 किलोग्राम को कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 2 × 1000 ग्राम। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमें ये दोनों चीजें याद रखनी है। अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन को। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन करोगे तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, इसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारा ये दिया हुआ है 200 ग्राम, अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है। देखो स्टूडेंट, हमें करना है, हमें दिया हुआ है 200 ग्राम दिया हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, किलोग्राम में। तो देखो, ग्राम क्या है, मेरी छोटी सी यूनिट है और किलोग्राम मेरी बड़ी यूनिट। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कर देंगे, जो हमारा 200 है ग्राम, उसको हम कर देंगे 1000 से डिवाइड। ओके स्टूडेंट, मैंने यही बताया था, ग्राम को करते हैं तो क्या करते हैं, हम करते हैं डिवाइड। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट अब मैं आपको ये बोलूं कि इसको फ्रैक्शन में, वो सॉरी डेसिमल में करो, तो आप क्या करोगे, देखो देखो स्टूडेंट, यदि मैं 0 से 0, यदि यहाँ पे 0 2 0 है तो नीचे भी 2 0 से कैंसिल हो सकता है। अब आपके पास क्या आया स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पे आ गया 2/10। अब आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, कितनी 0 है, 1 0 है, तो एक जो यूनिट, एक जो हमारा डिजिट है उसके बाद क्या लगाएंगे हम, 0 से पहले, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक डिजिट हो गया। इस साइड चलना है स्टूडेंट, इसमें यहाँ पे पॉइंट रखो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 0, तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर, 0.2 kg किलोग्राम, ये होगा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो स्टूडेंट, इसके अंदर जो स्टूडेंट आपको दिया हुआ है 3470 ग्राम, देखो फर्दर ये दोबारा आपको यहाँ पे दिया गया है 70, ये 70 है स्टूडेंट, 9 नहीं है, 70 ग्राम को हमें किसमें चेंज करना है, किलोग्राम में। तो फिर ये छोटी यूनिट है, तो आपको देखो स्टूडेंट, ये ग्राम है 3470, हमें इसको किलोग्राम बनाना है, तो हम क्या करते हैं, 1/1000 से डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट हम क्या कर देंगे, इसमें 1000 से डिवाइड, अब 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, हाँ जी। अब देखो आपका कितना 0 है, यहाँ पे 2 0 है, तो आप कितने के बाद लगाओगे स्टूडेंट, 2 इस साइड से 2 डिजिट छोड़ के, तो 7 एक डिजिट हो गया, 4 दूसरा हो गया, अब यहाँ पे पॉइंट आप रखोगे ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका किलोग्राम। मींस कहने का ये है कि 3.47 किलोग्राम, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.47, इसके आगे 47 कुछ नहीं होता, 0 लगा दोगे तो किलोग्राम ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आप जैसे 0.7 को क्या लिख सकते हो, 0.70 लिख सकते हो ऐसे। सो स्टूडेंट ये था मेरा सेकंड पार्ट। अब देखो हमारा जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर देखो स्टूडेंट, इसके अंदर देखो स्टूडेंट हमें दोनों टर्म दी हुई है, किलोग्राम भी और ग्राम भी। अब इसमें आपको एक चीज याद रखने की है कि जो हमें जो ये यूनिट दिया हुआ है ये दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों सेम होगी तभी हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। जो हमारी डायमेंशंस होती है उसको पहले सेम करना जरूरी होता है। तो पहले आप 4 kg है, जो जैसे 4 kg
अब देखो 4 kg को आप ग्राम में कन्वर्ट करो, पहले कितना ग्राम हो जाएगा, देखो यहाँ पे ग्राम बनाना है। सो स्टूडेंट यहाँ पे केजी से ग्राम में जाएंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 × 1000 करेंगे तो हमारा कितना आ जाता है स्टूडेंट, 4000 ग्राम। तो ये तो 4 kg का आया आपका, ये कितना आया, 4000 ग्राम। अब हमें 8 ग्राम और भी दे रखा है, अब आपको क्या करना है, प्लस 8 ग्राम। 8 ग्राम का मतलब क्या है, आपको ये निकल के कितना आ जाएगा, 4008 ग्राम, ये निकल के आया। अब आपको, अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, यहाँ पे बोला है केजी के अंदर करना है। अब देखो मेरा अभी ऊपर जैसा सम बन गया 4008 ग्राम को, मेरे को किस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, केजी में करना है। ये स्मॉल यूनिट है, ये बिग है, स्मॉल से बिग में जाएंगे तो क्या करेंगे हम, 1000 से कर देंगे डिवाइड। किसको करना है, जो हमें ग्राम के टर्म दी हुई है। सो स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, 4008 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो स्टूडेंट यदि आप इसको काट, 0 0 होता लास्ट में तो आप काट सकते थे, अदरवाइज आप क्या करोगे, कितनी जीरोज हैं यहाँ पे, 3 जीरोज है, तो आप कितना कितने के बाद डेसिमल पुट करोगे, 1 2 3, आपको याद रखना इस साइड से चलना है, ओके स्टूडेंट, राइट टू लेफ्ट चलना है, तो 1 2 3, तो मेरा ये यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा मेरा, 4.008, क्योंकि ये जो 3 जीरोज यहाँ पे है इस साइड से चलना है, आपको ये चीज याद रखना है स्टूडेंट, ये आपको भूलना नहीं है, कभी आप इस साइड से रख दोगे, आप इस साइड से करोगे तो आपका डेसिमल यहाँ पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 400 हो जाएगा, 400 किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे आंसर क्या है, 4.008, इसका मतलब ये है कि 4 किलोग्राम और 8 ग्राम, यही हमें पूछा था, तो ये हमारा स्टूडेंट किसमें हो गया, किलोग्राम, ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट है उसका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चे, आपको ये सब कुछ याद करने का आपको अपने माइंड के अंदर रखना है कि 1 kg के अंदर कितना ग्राम होता है, कितना होता है, 1000। जब आप एक चीज और भी याद रखना, जब आप बड़ी यूनिट से छोटी में जा रहे हो तो आप हमेशा क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और जब आप छोटी से बड़ी में जा रहे हो तो क्या करोगे, डिवाइड। आपको ये चीज हमेशा अपने माइंड के अंदर रखनी है, और फिर आप इनको जब कर लोगे, जैसे मैंने कल ही वाली वीडियो में करवाया था कि 1 cm 1 km में कितने मीटर होते हैं, 1 m में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 cm में कितने mm होते हैं, तो आपको वो सब बेसिक्स आपको आना चाहिए स्टूडेंट, अदरवाइज आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। सो इसको आपको हमेशा याद रखना है कि केजी में 1000 ग्राम होते हैं, और ग्राम से जब हम किलोग्राम बनाते हैं तो 1000 से करते हैं डिवाइड। आप यहाँ पे कोई भी लेकर चल सकते हैं, यहाँ पे 5 ग्राम होता तो आप क्या करते, 5/1000, अब आप यहाँ पे पुट कर देते कितने के बाद, 0, 3 डिजिट के बाद 1 2 3, अब यहाँ पे कर देते तो ये आपके क्या बन जाता, किलोग्राम, ओके स्टूडेंट। सो ऐसे करना है, और ऐसे ही जो मेरा आपको इस जो थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर जो डिफरेंट आपको पहले जो किलोग्राम दिया हुआ है और ग्राम दिया हुआ है, तो इसको आपको दोनों यूनिट है, पहले उनको किसमें कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, आपको ग्राम के अंदर करना है। जब आप दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे फिर आपको उसको किलोग्राम में चेंज करना है। सो स्टूडेंट इसलिए मैंने यहाँ पे पहले 4 kg का बनाया, तो किलोग्राम से ग्राम में बनाएंगे तो मल्टीप्लाई किया और ये आ गया हमारा 4000 ग्राम। फिर 8 ग्राम हमें ऐड करना है, आपको 8 इधर ऐड नहीं करना है, इस साइड से ऐड करना है, आपको ऐसे ऐड करना है 4000 + 8, तो आपका क्या निकल के आएगा, 4008, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट आपको यदि कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।